तो दोस्तों ये वो जहाज़ है बदकिस्मत जिसने 250 बच्चों की जान ली। ये बच्चे सारे झांबाक हो गए थे इसमें ना, कोई भी नहीं बचा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद और आप देख रहे हैं अहमद व्लॉग्स। तो दोस्तों आज हम आए हैं नेशनल यूनिवर्सिटी मोकपो हेंग थैक्यो। वो आप देख सकते हैं वो लिखा हुआ ये। तो अभी हम खड़े हैं एंट्री गेट पे, वहाँ से इसका वहाँ से इंटर होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कोरिया की सबसे बड़ी और इधर ये बहरी जहाज़ जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उनको लेके गया था छेजूदो। तो छेजूदो लेके गया था वो टूर पे। तो इसकी स्टोरी बताते हैं आपको, उसकी झलकियाँ आपको दिखा दी हैं। दिन भाई आपको इसकी स्टोरी बताएंगे ये, तो आपको उसकी झलकियाँ आपको दिखा दी हैं। अब इसकी स्टोरी आपको बताते हैं, इधर आओ इस साइड। जी इस टाइम हम मोकपो नेशनल मैरिटाइम यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। तो इसके जहाज़ के बारे में आपको बताते हैं, हम बहरी जहाज़ के बारे में। ये जी 250 बच्चे लेके ट्रिप था स्कूल इस यूनिवर्सिटी का। तो ये जा रहे थे छेजूदो घूमने ना, तो दरमियान में हादसा पेश हुआ, ये जहाज़ कुछ ख़राबी होने की वजह से डूब गया। ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने ये स्पेशल विज़िटरों के लिए स्पेशल जहाज़ यहाँ स्टे किया हुआ है, यहाँ आए विज़िट करें और यहाँ के स्टोरी पढ़ें ना, तो यादगार उन बच्चों के लिए ना। तो बच्चे सारे डूब गए थे यार, इसी का मैंने सुना था, वो कोई इनका वजीर था उसने भी इस्तीफ़ा दिया था, पता खुद नहीं। वो डिफरेंट है। जी जी। कहते थे कि इसी तरह ना स्टूडेंट का कोई जहाज़ डूबा था और सारा इल्ज़ाम उस पर आया, तो उसने खुदकुशी कर ली थी कि मुझ पर कोई गुंगली ना उठाए। ऐसे गैरतमंद भी है। ये बच्चे सारे झांबाक हो गए थे इसमें ना, कोई भी नहीं बचा था, सारे मर गए थे। तो स्पेशल उन्हों के लिए यादगार ये ऊपर लिखा हुआ है, मोकपो नेशनल मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। वक्त को कहते हैं ना, तो उस वक्त की वजह से ये यूनिवर्सिटी का नाम भी मैरीटाइम रखा हुआ है। हाँ अच्छा। तो दोस्तों ये वो जहाज है बदकिस्मत जिसने 250 बच्चों की जान ली। तो इसको बदकिस्मत कहें या उन्हें बच्चों को बदकिस्मत कहें, तब से इधर ही उन्होंने इसे रखा हुआ है बांध के। बंदे देखते हैं ऊपर वो लिखा हुआ भी है सारा, ये यूनिवर्सिटी का जहाज है वो देखे। तो आज की ये छोटी सी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन भी इसमें थी, और बहुत बड़ा ये वाकया हुआ था कोरिया में। हमारे यहाँ तो शादी से कुछ ना समझा जाता हो पाकिस्तान में किसी की जान की कीमत, लेकिन यहाँ पर बहुत कदर है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।